हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाऊँ। दोस्तों आज हमारे पास बजाज चेतक 2003 मॉडल है और इसकी क्लच वायर टूटी है, तो इसके हम क्लच वायर चेंज करने वाले हैं। और क्लच वायर कैसे चेंज होती है वो आज मैं आपको बताता हूँ। स्कूटर हमारे पास ये रहा और ये क्लच वायर इसकी जो है ऊपर से टूट चुकी है। कहने का मतलब इसकी जो क्लच वायर है ऊपर से टूटी है, और अगर ऊपर से वायर टूटी है तो हमने नीचे वाली साइड से निकालनी पड़ेगी। वो वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये यहाँ से टूट चुकी है। तो सबसे पहले मैं नीचे से वायर निकाल देता हूँ, और वायर कैसे निकालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्लच वायर जो है हमारी ये है, इस वायर को हमने क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो वायर को मैं इस तरीके से खींच लूँगा, कहने का मतलब इस तरीके से मैं खींचते रहूँगा वायर को, और वायर काफ़ी सूखी निकल रही है और थोड़ी जाम भी है। तो इस तरीके से वायर को मैं निकाल दूँगा इसी तरीके से, और ऊपर से फिर मैं लीवर खोलूँगा। लीवर खोल के किस तरीके से वायर डालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वायर को मैं इस तरीके से पूरा खींच दूँगा। तो वायर हमारी बाहर आ चुकी है, थोड़ा टाइट हो रही है, इस समय अभी हमें प्लास की ज़रूरत होगी। तो प्लास हमारे पास ये रहा, तो वायर हमारी आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि वायर यहाँ से टूटी है। अभी क्या करता हूँ मैं, इसका लीवर खोलता हूँ। तो लीवर मैं खोल देता हूँ। लीवर खोलने के लिए हमें एक पेचकस चाहिए, और नीचे जो पाना है वो 8 नंबर का है। तो इसको मैं खोल देता हूँ फटाफट। नट मैंने खोल दिया है, और इस वायर को मैं इस तरीके से बाहर निकाल देता हूँ। और अब जो वायर अब मैं डालूँगा, कौन सी वायर डालने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और कैसे डालना है उसको वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो केबल है हमारे पास, लिवोन केबल नाम से ये केबल है, और क्लच केबल जो होता है इसको मैं फाड़ देता हूँ और देखता हूँ कि कैसा इसका। तो क्लच केबल मैंने बाहर से निकाल दी है, और हमें ये जो क्लच केबल होता है, ये जो इसके ऊपर का जो घुंडी होती है काफ़ी मोटी होती है, और गियर वायर की पतली होती है। जिससे मैं आप क्लच वायर लेने जाएंगे तो आप कहेंगे मोटी घुंडी की होनी चाहिए। तो इस वायर को मैं डाल देता हूँ, और कैसे डालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो निप्पल जो है हमारा वहाँ पर है, और इस निप्पल में हमने ये वायर डालनी है इस तरीके से, और इस तरीके से मैं डालते रहूँगा इस वायर को। तो इस तरीके से मैं डालते रहूँगा, पहले मैं निप्पल देख लूँगा कि निप्पल कहाँ पर है। तो वायर में इस तरीके से मैं डाल दूँगा, यहाँ पर निप्पल होता है। तो इस तरीके से मैं वायर डालते रहूँगा, इस तरीके से वायर में डालते रहूँगा। तो वायर मेरा जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पर एक निप्पल होता है, आपको निप्पल देख लेना है। इस तरीके से मैं वायर डालते रहूँगा, और वायर हमारी वहाँ तक पहुँच जाती है। इस तरीके से मैं वायर डालते रहूँगा इसमें, और आउटर जो है इसका ठीक है। और जो मैंने एक आउटर चेंज करने वाला, कंप्लीट आउटर वाला भी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर मेरी वायर नीचे पहुँच चुकी है। तो अब पहुँचते हैं उस साइड को जहाँ पर क्लच कसते हैं। तो वायर हमारी यहाँ पहुँच चुकी है, और अब हम वहाँ ऊपर चलते हैं जहाँ पर लीवर होता है, लीवर को कसते हैं। तो ये वायर हमारी यहाँ पहुँच चुकी है, तो इस वायर को हमने यहाँ डालना है। ये देख रहे हैं आप, लीवर रहता है, और इसको इस तरीके से हम डाल देंगे, और फिर यहाँ पर मक्खी लगाकर इसको कस देंगे। सबसे पहले लीवर लगा लेते हैं। तो लीवर मैं फिट कर देता हूँ। तो लीवर का जो नट खोला था उसको मैं कस देता हूँ। तो फटाफट इसको कस के, तो इस तरीके से हमने इसको खींचना है वायर को, इस वायर को हमने इस तरीके से खींचना है, और यहाँ पर इसको टाइट कर देना है, और इतना टाइट करना है। तो इसको हमने इतना टाइट करना है क्लच को, हमारी किक भी फ्री ना हो और हमारी स्कूटर स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप क्लच कसना है, और कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से आप क्लच कस दो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है।